क्या तकनीक के इस्तेमाल से मुर्दों से बात की जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानी भेष में रूप बदलने वाले जीव धरती पर घूम रहे हैं? और क्या अमेरिकी आर्मी भी आत्माओं को रोक नहीं सकती? We can't explain it, nor can the fellow who put in the system for us. यह है कैमरे में कैद पांच ऐसे रहस्य जिन्हें 400 आईक्यू वाले लोग भी नहीं सुलझा पाए। Where are you? जिंदा इंसानों से तो हम दूर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, पर अगर आत्माएं सचमुच होती हैं, तो क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे हम मृत लोगों से बात कर सकें। यही आइडिया 1970 के दौरान कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में आया और उन्होंने आज तक के इतिहास की सबसे विवादित मशीन का निर्माण करने की ठानी। मेटा साइंस फाउंडेशन के इस अजीब आविष्कार को बनाने में साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ साथ पैरानॉर्मल व पैरासाइकोलॉजी के जानकार भी जुट गए। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के तकरीबन 12 वर्ष बाद साल 1982 में एक मशीन बनकर तैयार हुई, जिसे स्पिरेकॉम नाम दिया गया। After years of research and experimentation, an exciting breakthrough for metascience came with the development of Spiracom. स्पिरेकॉम को पहली बार इस फाउंडेशन के इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और डेवलपर बिल ओ'नील ने इस्तेमाल किया। Boy, I'll tell you, doctor. बिल ओ'नील इस मशीन को ऑन करने के बाद इतने ज्यादा हैरान थे कि वो लगातार 20 घंटे तक इसमें सुनाई देने वाली आवाजों को रिकॉर्ड करते रहे, क्योंकि ये आवाजें उन लोगों की थी जो ना ही उनके पास कमरे में मौजूद थे और ना ही इस धरती पर। दावा किया गया कि स्पिरेकॉम के जरिए बिल ओ'नील ने कई मृत आत्माओं से बात की, मगर इन सभी आत्माओं में एक आत्मा बहुत खास थी, क्योंकि उस आत्मा ने खुद बिल ओ'नील को समझाया कि उन्हें यह मशीन किस फ्रीक्वेंसी पर रखनी चाहिए ताकि उनकी ध्वनि साफ सुनाई दे सके। Try an inflection, sir. An inflection. I'll tell you what, sir. Give me a count. Give me a count of five first, sir. Very well, William. One, two, three, four, five. Is that all right, William? Give me another five, sir. Very well. One, two, three, four, five. Is that all right, William? Give me another count, sir. इस आवाज ने अपनी पहचान डॉक्टर म्यूलर बताई, जिनका असल में पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज म्यूलर था। वो नासा में बतौर एक साइंटिस्ट काम किया करते थे और साल 1967 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। स्पिरेकॉम के जरिए बिल ओ'नील मुर्दा लोगों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे सामने से कोई जिंदा इंसान मोबाइल पर बोल रहा हो। अगर ये सच था तो वाकई इसे आप इंसानी इतिहास का सबसे हैरतअंगेज आविष्कार कह सकते हैं, मगर दुखद बात यह भी है कि एक दिन बिना कोई अन्य जानकारी दिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताती है कि धीरे धीरे इसके अंदर से सुनाई देने वाली आवाजें मंद पड़ती गई और फिर एक दिन इसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। एक ऐसा सर्विस एजेंट जो कि महज एक बार दिखाई दिया और फिर लोग उसे ढूंढते रह गए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा में तैनात इस अजीब से दिखने वाले एजेंट की। साल 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा AIPAC पॉलिसी को लेकर स्पीच दे रहे थे, जिसका लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट चल रहा था।
कुछ दर्शकों ने नोटिस किया कि यहाँ टाई और सूट पहने इस एजेंट की शारीरिक बनावट अजीब सी लग रही थी। उसका सिर उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा था, साथ ही वो एक ही तरह की हरकत बार बार रिपीट कर रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ा एक अन्य एजेंट यहां बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा था। इस रहस्यमयी एजेंट की साइड प्रोफाइल देखने पर लगा जैसे उसके आईब्रोज गायब थे और उसके नाक की लंबाई भी उसकी थोड़ी जितनी ही थी। बता दें, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक कुछ शेप बदलने वाले रिप्टेलियंस हम इंसानों के बीच काफी समय से रहते आए हैं, जो कि किसी का भी रूप धर सकते हैं। इन्हीं अलौकिक जीवों के होने का सबूत इस वीडियो को बताया गया। हालांकि ये एजेंट ओबामा की बस इसी एक स्पीच के दौरान दिखाई दिया और उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। पांच साल तक मछलियां पकड़ने के बाद सॉस नामक ये लड़का समुद्र में शोर मचाने वाली डॉल्फिन्स या फिर व्हेल मछली की आवाजों को बखूबी पहचान सकता है, पर एक दिन उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें वो समझ नहीं पाया। I hear it. I hear. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. Oh my God. अगर आपने इसे मिस कर दिया हो तो चलिए एक बार दोबारा सुन लीजिए। एक सॉफ्ट हल्की आवाज कह रही थी, जंप फॉर मी, यानी मेरे लिए कूद जाओ। इसे सुनने के बाद सॉस का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कुछ देर नींद ले लेता हूं, मगर उसकी ये नींद भी जल्द ही टूट गई। से किसी के टकराने की आवाज से उसकी आंख खुली। बाहर निकलकर देखा तो बोट के दोनों तरफ कोई जानवर तेजी से तैर रहे थे। The fuck is that? We got another one over here. What are those? इसके अगली सुबह सोस ने बताया, इन आवाजों और तेजी से तैरते उन जानवरों के अलावा पिछली रात मछलियों के साथ साथ उसके जाल में एक अजीब सी चीज भी फंस कर आ गई। That looks like a tail to me. Looks like a tail of a bone to me. हम नहीं जानते कि ये हड्डी किस जानवर की थी और ना ही सॉस समझ पा रहा था। ऐसे में वो इस हड्डी को लेकर एक बोन एग्जामिन एक्सपर्ट के पास पहुंचा।
ये एक्सपर्ट भी इस हड्डी को देखकर हैरान था। उसने इसकी शिनाख्त की, कुछ फोन कॉल्स किए और सॉस को बताया कि हम नहीं जानते ये कौन से जानवर के शरीर का हिस्सा है। पर खुद सॉस को लगता है कि ये किसी जलपरी की पूंछ की हड्डी है और समुद्र के बीच वो आवाजें भी जलपरियां ही कर रही थी। वैसे मुमकिन है कि चीखने चिल्लाने की इन आवाजों को एडिटिंग के जरिए वीडियो के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन चौंका देने वाली बात यह भी है कि ऐसी ही आवाजें सॉस के द्वारा उसी जगह कुछ दिनों बाद टिकटॉक पर किए गए एक लाइव स्ट्रीम में भी सुनने को मिली। Can you hear me? Yo, that shit was instantaneous, bro. I gotta watch my step out here, man. God damn. Where are you? Oh, that's over here. Wait, no, now it's there. खैर, इस लड़के की बातों पर चाहे आप और हम यकीन ना करें, लेकिन उसके वीडियो वायरल होने के बाद गवर्नमेंट ने उन पर शायद यकीन कर लिया। You're gonna be out here doing testing. Testing what? What the fuck are you guys testing? That's what I want to know. उसका टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया गया और साइंटिफिक टेस्टिंग के नाम पर उसकी बॉट भी हत्या ली गई। ये फ्लोरिडा में स्थित एक ऐसा म्यूजियम है जिसने साल 2015 के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल यूएस आर्मी के इस म्यूजियम में कोई बिना उनकी परमिशन के अंदर घुसाया था और इस बात का पता चलने के बावजूद यहां का स्टाफ उसे रोक नहीं पा रहा था। We can't explain it, nor can the fella who put in the system for us. म्यूजियम के प्रेसिडेंट चार्ली मार्स के अनुसार रात को जब पूरा स्टाफ घर चला जाता है तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिन्हें शब्दों में बयान करने पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रखी। It's a phenomenon that has staff at the US Spacewalk Hall of Fame Museum fascinated. On two separate occasions in just the last week, an orb-shaped object has been spotted by surveillance cameras. इस म्यूजियम के अंदर रोशनी का एक गोला हवा में तैरता नजर आ रहा था और यह इस प्कार की पहली घटना नहीं थी। In this video taken Friday, you can see it quickly moves around toward the bottom of your screen before vanishing once again. इस वीडियो फुटेज की अच्छी तरह जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि हो सकता है ये महज डस्ट पार्टिकल हो। हालांकि कोई भी इस फुटेज को फेक साबित नहीं कर पाया। वैसे बता दें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार कहते हैं कि रोशनी के ये रहस्यमय गोले वहीं बनते हैं जहां आत्माओं का वास हो। प्रेसिडेंट चार्ली मार्स के मुताबिक यहां ऐसे बहुत से लोग काम कर चुके हैं जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है और पॉसिबल है कि उनके कुछ एटम आज भी म्यूजियम में वापस आते हो। There are many atoms in here that were brought in by people who no longer are with us. They could be coming back to check on it. अब हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे कि क्या आपको ये वीडियो फेक लगता है? क्या ये कोई डस्ट पार्टिकल ही था या आत्माओं की मौजूदगी का ऐसा जीता जागता सबूत जिसे नकार पाना अच्छे अच्छों के लिए नामुमकिन है? लाइव न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान इस अगली दिल दहला देने वाली घटना को रिकॉर्ड किया गया है। मामला कुछ ऐसा था कि सितंबर 2017 के दौरान मेक्सिको के लोगों ने एक भयंकर भूकंप का सामना किया जिसमें तकरीबन 400 लोग मारे गए। ये भूकंप इतना ज्यादा तीव्र था कि उसे याद करके आज भी मेक्सिको के लोगों की रूह कांप उठती है।
इसी भूकंप के दरमियान एक ऐसी रहस्यमयी घटना भी घटित हुई जिसे चाहकर भी ना कोई भुला सकता है और ना ही झुटला सकता है। अचानक आए भूकंप के झटकों से यहां एक प्राइवेट स्कूल की इमारत ढह गई जिसके मलबे में कई बच्चे फंसे हुए थे। हर किसी को मलबे के अंदर से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। आसपास रहने वाले स्थानीय लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुट गए मगर तमाम कोशिशों के बावजूद कई मासूम समय रहते नहीं बचाए जा सके। यूं तो बहुत से न्यूज चैनल्स इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन एक न्यूज चैनल पर एक बेहद असामान्य नजारा दिखाई दिया। Desde el techo de este, digamos, como balcón, hay socorristas, tanto de la Cruz Roja como del Ejército Mexicano y del Plan Marina, que están pues con los planos del edificio en mano y continúan la versión de que están muy cerca de lo que era la, el área de cocina y el área del comedor. कोई था जो स्कूल की इस दीवार में आई दरार के भीतर से बाहर की तरफ झांक रहा था। उसका चेहरा किसी बच्चे जैसा ही लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी न्यूज रिपोर्टिंग के चलते पहले इस दरार के भीतर कोई नहीं था और फिर कुछ देर बाद जब यह चेहरा दिखा तो वो ब्रॉडकास्ट खत्म होने तक वहीं खड़ा दिखाई देता रहा। इस फुटेज को देखकर स्थानीय लोग मानते हैं कि यह एक बच्चे की आत्मा थी क्योंकि इस समय तक जिंदा और मुर्दा सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। ऐसे में अंदर किसी और के होने का तो सवाल ही नहीं उठता।